से करते हैं कालाकोट के सुमा ब्रोट में देखे गए संदिग्ध। सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजौरी में कालाकोट के सुमा ब्रोट में देखे गए संदिग्ध, और अब संदिग्धों को लेकर सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कालाकोट के सुमा ब्रोट में संदिग्धों को देखा गया, सेना और पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर संदिग्धों को देखा गया, और उसके बाद से सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार चल रहा है। सेना और पुलिसकर्मी मिलकर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। संदिग्धों को तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। सर्च ऑपरेशन के जरिए कोशिश है संदिग्धों को तलाशने की। राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी इलाके से जहां पर कालाकोट के सुमा ब्रोट में इन संदिग्धों को देखा गया। सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और इस सर्च ऑपरेशन में ही कोशिश है ताकि इन संदिग्धों को तलाश लिया जाए। कालाकोट के सुमा ब्रोट में संदिग्धों को देखा गया, सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कालाकोट के सुमा ब्रोट में संदिग्धों को देखा गया, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, और साथ ही साथ सेना के जवान भी मौके पर मौजूद हैं सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए, ताकि संदिग्धों को पकड़ा जा सके, संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा सके, संदिग्धों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। राजौरी का यह पूरा इलाका जहां पर संदिग्धों की तलाश की जा रही है, सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। राजौरी का ये पूरा घटनाक्रम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संदिग्धों को यहां पर देखा गया, और उसके बाद से ही तलाशी शुरू कर दी गई है। उसके बाद से ही सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी यहां से शुरू कर दिया गया है। कालाकोट के सुमा ब्रोट में संदिग्धों को देखा गया, सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि अब से पहले भी कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते उन आतंकी घटनाओं को हालांकि पहले से ही नाकाम किया गया, आतंकियों के हौसलों को पस्त किया गया। हो सकता है एक बार फिर से आतंकियों की कोई नापाक साजिश हो, और उसी को फेल करने के लिए अभी से सेना मुस्तैद है, जवान मुस्तैद है, पुलिसकर्मी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुनील चंदन राजौरी से हमारे साथ जुड़े हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए सुनील, कुछ संदिग्धों को देखा गया, उसके बाद से सेना का और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी काजल, मैं आपको बता दूंगी, जिला राजौरी के कालाकोट का समरोड इलाका पड़ता है, जहां पर देर रात कुछ स्थानीय लोगों द्वारा संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद उसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस थानों को दी गई, और पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। उसके बाद आज सुबह भी, सोमवार की सुबह भी, जिसके बाद थाना वहां पर इलाके में पहुंची, तो उन्होंने ड्रोन के माध्यम से भी वहां पर देखा, तो तीन जो हथियारबंद लोग थे वो उस इलाके में पाए गए, जिसके बाद थाना पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके की घेराबंदी की, और वहां पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया। उसके बाद ही कुछ वहां पर फायरिंग की भी आवाज़ सुनाई दी गई, स्थानीय लोगों ने फायरिंग की भी आवाज़ सुनी, तो वहां पर अभी थाना के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं, और पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है, और अभी भी वहां पर रुक रुक के फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, और उस तरफ जाने का जो भी रास्ता है उसको कुछ समय के लिए बंद रखा गया था, जब तक पूरा इलाका उसमें पता नहीं लगाया जाता, तब तक उस इलाके के जाने वाले सभी रास्तों को बंद रखा गया था। सेना पुलिस और सीआरपीएफ के जवान वहां पर तैनात थे, तो अभी बताया जा रहा है इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है, और देर रात से ही उस इलाके में सेना पुलिस और सीआरपीएफ वहां पर तैनात है, और जो आतंकी हैं उनकी तलाश की जा रही है। सुनिए, लगभग कितने संदिग्ध हो सकते हैं जो कि छुपे हैं? जी काजल, बताऊं कि जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी थी उसके तहत उन्होंने बताया था कि 3 लोग यहां पर देखे गए थे, जिसके बाद सेना ने भी वहां पर ड्रोन के माध्यम से आज सुबह देखा, तो 3 हथियारबंद लोग थे उस इलाके में थे, और वहां पर जब भारतीय सेना की टीम और अन्य जो सीआरपीएफ पुलिस के टीम वहां पर पहुंची, तो वहां पर जो दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई, तो कुछ रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग भी हो रही है, तो हालांकि अभी तक आतंकियों का पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि घना जंगल का इलाका है, तो वहां भी कहीं भी आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिनकी धरपकड़ और तलाश लगातार देर रात से ही जारी है। जी काजल, सुनील शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनको लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है, सेना और पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन।